मंथरा में कुछ रोल प्ले किया था, कैकेयी ने कुछ रोल प्ले किया था, वैसे विनेश सम्राट मेरे लिए मंथरा बन कर के आई, मेरे लिए मंथरा बन कर के आई। पहली बार हजारों पहलवान थे, इस बार तीन पति तीन पत्नी, तीन पति तीन पत्नी, सातवां कोई नहीं। लेकिन जैसे आज हम मंथरा को धन्यवाद देते हैं, कैकेयी को धन्यवाद देते हैं, वैसे हम कुछ दिन के बाद विनेश फोगाट को भी धन्यवाद देंगे जब उसका पूरा का पूरा परिणाम आ जाएगा। आज इस पर ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन संत बोलेंगे, देश सुनेगा, और संतों की आवाज कोई दबा नहीं पाएगी। अयोध्या से जो आवाज निकलेगी, धर्म गुरुओं के द्वारा जो आवाज निकलेगी, उसको कोई दबा नहीं पाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना मैं चाहता हूँ उससे ज्यादा ताकत लगा देना। जिंदगी में रोज रोज अवसर नहीं आता, याद रखना, जिंदगी में रोज रोज अवसर नहीं आता। वो लोग बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिनको समाज के लिए लड़ने का मौका मिलता है, वो लोग बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिनको देश के लिए लड़ने का मौका मिलता है, वो बड़े सौभाग्यशाली है। आप सौभाग्यशाली है कि आपके समय में एक ऐसा मुद्दा आया है जिसने बस करके डोनल ट्रंप तक पढ़ा रहे। मैं एक रोज पढ़ रहा था छत पर शिवाजी महाराज के सबसे प्रिय पुत्र संभाजी पर भी आरोप लगा था, और खड़ियंत्रकारियों ने संभाजी को शिवाजी से दूर कर दिया था, और मजबूर होकर के संभाजी महाराज को मजबूर होकर के जाकर के मुगलों से मिलना पड़ा था। संभाजी जैसे लोग नहीं बच पाए हैं, पकड़े भूषण सिंह बघिंटा है, कभी युद्ध नहीं आ रहे थे संभाजी, कभी कोई युद्ध नहीं आ रहे थे संभाजी, अपने जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ कि ये खड़ियंत्र आज का नहीं है, ये बहुत दिनों का है, लेकिन कुछ अच्छा होना है, इतना जानते हैं, कुछ अच्छा होना है, और उस अच्छे में आपकी जरूरत है, उस अच्छे में आपकी जरूरत है, आपके सहयोग की जरूरत है। ये रैली नहीं है, एक यज्ञ है, यज्ञ है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।